सो व्हाट्सअप गेमर्स, आज हम खेलने वाले हैं GTA 5 स्टोरी मोड, जिसके अंदर हम स्टोरी मोड की सबसे महंगी गड्डी को खरीदेंगे। और क्यों खरीदेंगे? इसलिए नीचे वो एक्टिवेट विंडो का साइन आ रहा है, तो यार उसे जरा इग्नोर मार देना, क्योंकि भाई मैं गरीब हूँ। चल जा पे आने का काम कर जाके। तो गड्डी खरीदने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा अपने गैराज में, जो हमने ऑलरेडी खरीद के रखा हुआ है। तो चलते हैं फटाफट से गैराज में। तो हम आ चुके हैं अपने गैराज में, और गैराज में आते आते अपनी गड्डी की हालत जो है बहुत खराब हो चुकी है। क्या करें भाई, गाड़ी चलानी नहीं आती, पिछवाड़ा बिल्कुल पिचक गया है। खैर तो यार छोड़ो, सीधा चलते हैं अपने मोबाइल पे, जहाँ पे इंटरनेट खोल के हमें वहाँ पे लिखना होगा कार्स। ओ ये रहा, पीस ऑफ शिट। आर यू श्योर अबाउट दैट? ओ यहाँ से कलर वगैरह भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे पसंद है मुझे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऑरेंज पसंद है तो भाई ऑरेंज ही ले लेते हैं, ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। फाइनली हमारी कार हो चुकी है परचेज, अब इस हिसाब से गाड़ी तो गैराज में आ चुकी होनी चाहिए। तो एक बार जाके देख लेते हैं गैराज में गाड़ी आई है या नहीं। जैसा कि यार तुम लोग देख सकते हो, गड्डी अपनी प्रकट हो चुकी है, काफ़ी अच्छी लग रही है वैसे देखने में। फटाफट से चला के देख लेते हैं अब। तो यार अभी मैं ये कार चला ही रहा था कि तभी मुझे पता चला कि जैसी ये कार तेज होती है, इसका पिछवाड़ा ऊपर उठने लग जाता है। वाह, साइंस लॉजिक। अभी इसको कस्टम शॉप पे लेके जाते हैं, जहाँ पे हम इसके कस्टम करा के इसकी स्पीड वगैरह बढ़ाएंगे और ब्रेकिंग पावर वगैरह को बढ़िया करेंगे, जिससे हमारा इस गाड़ी पे कंट्रोल और बढ़िया हो जाएगा। तो फाइनली हमारी गाड़ी पूरी तरह से कस्टमाइज हो चुकी है, सब कुछ हमने टॉप लेवल पे अपग्रेड करा दिया, आर्मर टर्बो इंजन वगैरह सब कुछ, ब्रेकें व्रेकें सब कुछ नया करवा दिया तुम्हारे भाई ने। अब इस गाड़ी का स्पीड टेस्ट करेंगे, तो चलना पड़ेगा सीधा हाईवे पे, क्योंकि भाई यहाँ पे तो होगा नहीं। अरे अरे ये क्या हो रहा है भाई? बेशर्मी की सारे हदें पार हो चुकी है। Meanwhile, यहाँ पे क्या चल रहा है भाई? पार्टी वगैरह चल रही है, एक बार जाके देखना पड़ेगा। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज हेल्प। Hey, what up, my name? Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. The fuck you say to me, you little shit? Why are you running? खैर तो यार छोड़ो, चलते सीधा अपने हाईवे पे, जहाँ पे हम इसका स्पीड टेस्ट करेंगे। गाड़ी अभी एक लगभग 140 की स्पीड पे जा रही है, इसको और आगे बनाने के अपने पास जो करेक्टर है इसका, जो मेन चीज़ ये है कि गाड़ी चलते चलते इसकी स्लो मोशन हो जाती है, तो इसको स्लो मोशन करते हैं एक बार। और स्लो मोशन का फ़ायदा ये रहता है कि जैसे ही आप इसको स्लो मोशन करते हो, इस गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। जैसे मैं अभी स्लो मोशन कर रहा हूँ, इसकी स्पीड और बढ़ जा रही है। अब ऐसे कर करके हम इसको 200 पे ले जाएंगे। इस वक्त कार जो है 200 की स्पीड में चल रही है, और देख सकते हो मैं कितनी मुश्किल से इसको कंट्रोल कर रहा हूँ यार, मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं मैं ठूक ना जाऊँ। It was at this moment that he knew he fucked up. तो यार अपना एक्सीडेंट हो गया फाइनली, जिस बात का डर था वही हाल हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस स्क्रैच वगैरह है। इसको एक बार साइड पे लगाते हैं। क्या होगा भाई साहब, तुम कहाँ रुक गए, यहाँ तमाशा लगाए क्या? हम अपनी गड्डी को देख रहे हैं, हमारी गड्डी ठुक गई है, और तुम चलो निकलो निकलो यहाँ से निकलो। तो यार हम लोग आ चुके हैं GTA 5 की सबसे ऊंची चोटी पे। जो लोग GTA 5 खेलते या देखते हैं उनको पता होगा कि ये कौन सी लोकेशन है, और वो रही हमारी गाड़ी। यहाँ पे आते आते इसकी बहुत बुरी हालत हो गई है, शीशे वगैरह टूट गए हैं, कीचड़ वगैरह लग गया, और स्क्रैच तो पहले ही पड़ गए थे जब वहाँ ठुकी थी। और तुम लोग तो समझ ही गए होगे कि हम यहाँ पे क्या करने आए। ओ भाई साहब, अगर इतनी ऊपर से मैं किसी और गाड़ी को लेकर गिरता तो अब तक तो उसका भाई पटाखा बोल जाता, पर ये गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। शायद हमने इसका आर्मर वगैरह 100 करा दिया था, शायद इसीलिए इसको कुछ नहीं हुआ। सारे कर्मकांड तो हमने इस गाड़ी के साथ करके देख लिए, बस एक काम रह गया था, पुलिस के साथ पंगा लेने वाला। अब अगर तुम GTA 5 खेल रहे हो और तुम पुलिस के साथ पंगा ना लो यार, तो इसमें कुछ मजा नहीं आता है। तो इसलिए अब मैं 3 स्टार करवा के बैठा हूँ, और बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। अपने पास जो करेक्टर है इसकी ये बात मस्त है कि यार इसमें गाड़ी चलाते चलाते ये स्लो मोशन हो जाता है, और अपने ठुकने से वगैरह से बच जाते हैं। ओ नहीं भाई, ओ भाई शीशा तोड़ के पार हो गया यार। अभी जिंदा जिंदा है, बस मरियो मत यार।